हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस ललीगा के एक बहुत बड़े मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड के बीच। तो गाइस, एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड दोनों एक दूसरे के आर्च राइवल्स हैं और ये जो फिक्स्चर है इसको मैड्रिड डर्बी भी बोला जाता है। तो बहुत बड़ा मैच ये होने वाला है, दोनों ललीगा की टॉप टीम्स में काउंट होती हैं। अगर गाइस मैं आपको ललीगा का अभी तक का पॉइंट्स टेबल दिखाऊं तो आप देखेंगे बारसा टॉप में जरूर है, लेकिन एटलेटिको और रियल ने दोनों ने एक एक मैच कम खेला है बारसा से, और बारसा ने जो है कल ही जो अपना मैच है उसमें पॉइंट्स ड्रॉप किए। तो यहाँ पे इस वाले मैच में रियल और एटलेटिको दोनों के पास एक बहुत अच्छा मौका है बारसा के क्लोज आने का पॉइंट्स टेबल में। अगर आप देखेंगे रियल अभी सेकंड में, 7 मैचेस में उनकी 5 विक्ट्री और 2 ड्रॉ हैं, एक भी मैच वो नहीं आ रहे, 16 गोल मारे हैं, सिर्फ 5 कंसीड किए और 17 पॉइंट हैं। एटलेटिको उनसे जस्ट एक पोजीशन नीचे थर्ड में, 7 मैचेस में उनकी भी 4 विक्ट्री और 3 ड्रॉ है, उन्होंने भी एक भी मैच नहीं हारा, 11 गोल मारे हैं, सिर्फ 3 कंसीड किए और 15 उनके पॉइंट है। तो आप देखेंगे दोनों रियल और एटलेटिको में 2 ही पॉइंट का गैप है। अगर रियल ये मैच जीतती है तो उनके 20 पॉइंट हो जाएंगे, बारसा के बहुत क्लोज हो जाएंगे, और एटलेटिको ये मैच जीतते हैं तो उनके हो जाएंगे 18 पॉइंट, वो भी फिर बारसा रियल के क्लोज हो जाएंगे पॉइंट्स टेबल में। तो ये मैच श्योरली दोनों के लिए एक एडवांटेज वाला मैच होगा जो भी इसको जीतने वाला है। अब गाइस, यहाँ पे वैसे विनर प्रिडिक्ट करवाना बहुत टफ है, एटलेटिको बहुत अच्छा खेल लिया एट होम है और रियल मैड्रिड आप जानती हैं वर्ल्ड का बेस्ट क्लब है, और इस मैच में वैसे रियल मैड्रिड के जो मेन अटैकर है न्यू साइनिंग किलियन एम्बापे वो इंजरी की वजह से नहीं खेलेंगे, बट इसके बावजूद वो एक टॉप टीम यहाँ पे होने वाली है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पेडिग्री वाइज रियल मैड्रिड को बैक कर रहा हूँ, बट अगर ये मैच ड्रॉ रहता है या एटलेटिको अपने घर में रियल को हराती है तो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा, बट राइट नाउ मुझे अभी भी ज़्यादा बेटर टीम रियल मैड्रिड लग रही है। मुझे लग रहा हो कैसे भी एक नैरो विक्ट्री यहाँ पे जरूर निकाल लेगी। तो अभी के लिए स्मॉलिंग में हम रियल मैड्रिड को ही बैक करते हुए अपनी टीम बनाने वाले हैं। अब गाइस, सबसे मेन चीज, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आए थे डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे और पहले हम स्टार्ट करते हैं फेवरेट रियल मैड्रिड से। तो गाइस, रियल मैड्रिड मेरे अकॉर्डिंग क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। अभी मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं 7 प्लेयर रियल मैड्रिड के पिक करने वाला हूँ। तो इनकी प्रोबेबल लाइन पे नजर डालते हैं, थीबो कोटवा होने वाले इनके गोलकीपर, 4 इनके डिफेंडर होंगे, करवाहाल, मिलिटाओ, रूडिगर एंड फर्लान मेंडी। अब वैसे इस मैच में मुझे लग रहा है शायद दोनों जगह से गोल आ जाए, बट स्टिल अगर किसी एक टीम को मुझे क्लीन शीट के लिए बैक करना हो मैं रियल को करूंगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है एक नैरो 1-0 टाइप की रियल यहाँ पे विक्ट्री निकाल ले। तो अभी मैं मैक्सिमम डिफेंडर रियल मैड्रिड के पिक करके चल रहा हूँ। फिलहाल गाइस मैं चारों तो नहीं ले रहा हूँ, मैं 4 में कोई 3 डिफेंडर पिक कर रहा हूँ और जो मेरी टॉप 3 चॉइस है वो है करवाहाल, मिलिटाओ एंड रूडिगर। अभी के लिए मैं मेंडी को इग्नोर कर रहा हूँ जो कि जनरली फैंटेसी वाइज उतने पॉइंट नहीं देते। बाकी गाइस, जो करवाहाल है अगर आपको लो स्कोरिंग मैच लग रहा है तो आप स्मॉल लीग मैन को वाइस कैप्टनसी के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज अटैकिंग वाइज भी अच्छे हैं और डिफेंसिव वर्क भी करते हैं, क्लीन शीट होने में प्लस 20 उसके भी पॉइंट दे देंगे। बट फिलहाल मैं एज अ प्लेयर ही ले रहा हूँ और मैं करवाहाल, मिलिटाओ और रूडिगर ले रहा हूँ, अभी मैं मेंडी इग्नोर कर रहा हूँ। अगर आपको हाई स्कोरिंग टाइप का मैच लग रहा है तब आप सिर्फ 2 ही डिफेंडर भी पिक कर सकते हो, उस केस में आप रूडिगर को ड्रॉप कर सकते हो, बट अभी मैं 3 के साथ ही गया हूँ। चुआमेनी डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलेंगे, प्लेयर अच्छे हैं बट अभी मेरे को मिडफील्ड में बहुत और ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे थे तो अभी मैं चुआमेनी को पिक नहीं कर पाया। सेम विद कामाविंगा, वैसे कामाविंगा का खेलना भी 50-50 हो सकता है, आप मॉडरेज खेले बट जो भी खेलेगा मैं उसको भी एडजस्ट नहीं कर पाया कामाविंगा या मॉडरेज में जो भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। बाकी गाइस, मैं वलवर्डे को शोली लूंगा, रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में है और ये बड़े मैचेस में मैंने देखा है इनके गोल्स वगैरह आ जाते हैं और ये बैंगर्स ही मारते हैं लॉन्ग रेंज शूट वगैरह से, बहुत अच्छे देखने लायक इनके गोल्स होते हैं। बाकी बिना गोल असिस्ट के भी इनके 25-30 सेव पॉइंट आते ही आते हैं, तो मैं फेडे वलवर्डे को शोली पिक करके चल रहा हूँ। बेलिंगम आप जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है टीम के, मस्ट पिक रहेंगे, कभी भी गोल असिस्ट कर सकते हैं, तो मैं इनको शोली लूंगा। बाकी गाइस, विनीसियस जूनियर भी आप जानती हैं एम्बापे के साथ करेंटली वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं और रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, ये भी मस्ट पिक रहेंगे और CVC के टॉप ऑप्शन रहेंगे। और मैं रोड्रिगो को भी लूंगा, इनकी रिसेंट फॉर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो ये रियल मैड्रिड की 11 थी। अभी जो मैंने यहाँ से प्लेयर्स पिक किए, मैं 3 डिफेंडर ले गया, करवाहाल, मिलिटाओ और रूडिगर, इसके अलावा मैं वलवर्डे, जूट बेलिंगम, रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर को पिक करके गया हूँ। बाकी गाइस, गलती से मैंने विनीसियस पेनल्टी कर दिया, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी में विनीसियस और क्या नाम है बेलिंगम और विनीसियस में कोई भी ले सकता है, मैंने गलती से सिर्फ बेलिंगम लिखा है, यहाँ पे मैं विनीसियस का नाम लिखना भूल गया, लेकिन इन दोनों में कोई भी इनके पेनल्टी ले सकता है क्योंकि एम्बापे नहीं है, नहीं तो फिर उनका भी चांस था। तो पेनल्टी यहाँ पे 50-50 है बेलिंगम वर्सेज विनीसियस में।
बाकी ये अभी तक के रियल मेडिट के न्यूज सीएन के स्टैट हैं, आप ये स्टैट देख सकते हो। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का अपोनेंट है एटलेटिको मेड्रिड की। तो एटलेटिको मेड्रिड की प्रोबेबल 11 पे नजर डालते हैं। यान ओब्लैक होने वाले इनके गोलकीपर। आई थिंक रियल मेड्रिड ज्यादा अटैक करेगी, एटलेटिको काउंटर में खेलती है, तो मेरे गोलकीपर ओब्लैक रहेंगे जो हमें अच्छे खासे सेव्स करके दे सकते हैं। बैक थ्री खेलते हैं जिसमें ली नॉर्मन, हिमिनेस और रिनिल्डो, सिर्फ ये तीन ही प्लेयर जो है आपको डिफेंस सेक्शन में मिलेंगे। फिलहाल तीन डिफेंडर में ले गया रियल मेड्रिड के, एक मैं यहाँ से भी लाऊंगा और बहुत मुझे स्टैंडर्ड ऑप्शन वो प्लेयर लगता है, वह है इनका लेफ्ट सेंटर बैक रिनिल्डो। रिनिल्डो गाइस जो प्लेयर है ये डिफेंसिवाइज बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा टैकलिंग इंटरसेप्शन करता है और ये हेडर वगैरह में भी गोल लगा सकता है, तो मैं अभी के लिए एक डिफेंडर ले जा रहा हूँ रिनिल्डो। बाकी मैं अभी के लिए हिमिनेज और ली नॉर्मन को इग्नोर कर रहा हूँ। मिडफील्ड की बात की जाए, कोके में इग्नोर कर रहा हूँ, ओके प्लेयर है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शन है मिडफील्ड में, तो कोके में नहीं पिक कर पाया मैं। डीपॉल भी अभी के लिए एडजस्ट नहीं कर पाया, मेरा मन था पिक करने का, बड़े मैच है, बड़े मैच में अच्छा करते हैं, बट मैं डीपॉल को भी एडजस्ट नहीं कर पाया और मैं ना ही लोरेंटे और लिनो को भी एडजस्ट नहीं कर पाया अपनी टीम में। अगर आपको इनमें से किसी को लेना है, लोरेंटे मेरी चॉइस रहेंगे लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। अगर आपको लोरेंटे लेने हैं या डीपॉल लेना है तो फिर आपको वहाँ से वलवर्डे हटाना पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं दोनों लॉरेंटे, डीपॉल, लिनो, कोके इन चारों को एडजस्ट नहीं कर पाया। लेकिन गाइज मैं गैलेगर को शोर ले लूँगा, न्यू साइनिंग है एटलेटिको की, चेल्सी से आप जानते हैं, हर एक मैच में अभी तक जितने में स्टार्ट किया इम्पैक्ट डाला इन्होंने, बिना गोल असिस्ट के अच्छे पॉइंट दे रहे हैं और दो गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं मिडफील्ड से। तो गैलेगर जिस तरह की फॉर्म में अच्छे खासे जेल हो गए एटलेटिको मैड्रिड में, तो मैं इनको गारंटीड पिक करके चल रहा हूँ। बाकी फॉरवर्ड में ग्रीजमैन भी मस्ट पिक रहने वाले हैं, वैसे मिडफील्ड सेक्शन में लिस्टेड हैं लेकिन ये बेस्ट अटैकिंग प्लेयर माने जाते हैं एटलेटिको के और पेनल्टीज़ में भी है, तो मैं एंटवान ग्रीजमैन को भी शोली पिक करके चल रहा हूँ। अब गाइस जूलियन अल्वारेज, वैसे ऑन पेपर आप देखेंगे इनके दो गोल हैं लेकिन ये अभी तक एटलेटिको मैड्रिड में फुली जेल नजर नहीं आ रहे, जैसा ही परफॉर्म मैन सिटी में किया करते थे वैसा यहाँ पर नहीं किया और यहाँ इनके मिनट्स भी अशोर नहीं है, तो मैं इस मैच में अल्वारेज को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ। बट अगर आपको सेफ जाना है आप अल्वारेज ले लेना, ये स्कोर कर सकते हैं, रियाल का डिफेंस भी कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, तो आप रिनिल्डो हटा के अल्वारेज ले सकते हो या आप वहाँ से रूडीगर को इनके डिफेंस से हटा के अल्वारेज ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं एक रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि उतने अच्छे टच में अल्वारेज मुझे नजर नहीं आए, तो मैं इनको अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये एटलेटिको मैड्रिड की 11 थी। अभी मैंने चार प्लेयर पिक किया, मैं गोलकीपर ओब्लैक ले गया, डिफेंस से रिनिल्डो, मिडफील्ड से गैलेगर और एंटोन ग्रीजमैन को पिक करके गया हूँ। बाकी गाइस पेनल्टी मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीजमैन लेंगे और ये अभी तक के एटलेटिको के न्यू सीजन के स्टैट हैं, आप ये स्टैट देख सकते हो। अब आ जाते हैं मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन में। तो या मैं एक 2-1 रियल मैड्रिड विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ और या मेरी जो दूसरी प्रिडिक्शन है वो 1-0 नैरो रियल मैड्रिड विक्ट्री की है। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने ओब्लैक लिए और एक में डिफेंडर एटलेटिको ले गया रिनिल्डो मंडावा, तीन में रियाल के डिफेंडर ले गया हूँ, रूडीगर हैं, करवाहल हैं और मिलिटाओ हैं। मिडफील्ड में गाइस मैंने रोड्रिगो लिए, फेडे वल्वर्डे लिए और बेलिंगम लिए, वहाँ मैंने गैलेगर और ग्रीजमैन लिया और फॉरवर्ड में मैंने विनीसियस जूनियर को पिक किया है। अब गाइस यहाँ पे आप दो तीन चेंजेस कर सकते हो। पहला, अगर अल्वारेज लेना है फॉरवर्ड में तो या तो डिफेंस से एटलेटिको के रिनिल्डो हटा के अल्वारेज लीजिए, अदरवाइज आप रूडीगर को हटा के भी अल्वारेज के साथ जा सकते हो। दूसरा, अगर मिडफील्ड में डीपॉल लेना है या लॉरेंटे लेना है तो आपको लग रहा फेडे वल्वर्डे या रोड्रिगो में जो भी फ्लॉप होगा उसको हटा के डीपॉल या लॉरेंटे ले सकते हो। किसी को मे भी लगता है गैलेगर उतना अच्छा ना कर पाए, इनको हटा के भी आप डीपॉल या लॉरेंटे में किसी एक के साथ जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं तो गैलेगर को शोली पिक करके जा रहा हूँ। फिलहाल गाइस और मैं चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस टीम में। कैप्टनसी के सेफ एंड क्लियर कट ऑप्शन विनीसियस से मैंने उनको दी है। वीसी बड़ा मैच है, मैंने बड़े प्लेयर बेलिंगम को किया है, आप रोड्रिगो को कर सकते हो। क्लोज मैच लग रहा है, आप एंटोन ग्रीजमैन को भी वीसी कर सकते हो। लो स्कोरिंग लग रहा है 1-0 टाइप का, आप करवाहल को भी अपना वीसी कर सकते हो। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी। अपडेटेड जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।